साढ़े लिए बड़ी माण की और फख्र की गल है कि पंजाबी दे प्रसिद्ध कवि जिन्हां दे हजारे गीत धार्मिक ते लोक गीत भी रूप च भी कई कुछ लिखिया आम तौर पर पंजाबी दे हर गायक ने गाए ने रेडियो ते रिकॉर्डिंग च भी तो नॉर्थ अमेरिका की फेरी ते आए हुए हैं ते अज तुहाडे नाल उन्हां दा मुलाकात कराने मेरे कहने तो मुराद है सरदार चरण सिंह जी सफरी सफरी जी मेरे ख्याल है थोड़ी नॉर्थ अमेरिका की पहली फेरी है हाँ जी हाँ पहली फेरी असी सारे पंजाबी भरावां भैणां वालों जिहड़े भी साडा प्रोग्राम देखते हैं थानू जी आया कहने मैं बड़ा मशहूर हाँ थोड़ा सफरी जी बेसिकली थानू धार्मिक गीतां नाल बहुत मन्या जांदा है तुसीं नज़मां धार्मिक कुछ बहुत अच्छियां रिसाइट भी करते हो इस तो पहला कि आप अपनी गलबात गाहां वधाईए मेरा दिल करेगा कि तुसीं अपने मनपसंद कोई नज़म साडे स्रोतां नाल जरूर सांझी करो जरूर अर्ज करूँगा जी मैं कवि दे नाते इत्थे दो तीन महीने हर गुरु धाम च धार्मिक कवितां मैं ही कहीआं जी तो मेरा जिंदगी का ही विशा मुख विशा धार्मिक है तो मैं धार्मिक कवितावां विच काफ़ी संगतां तो माण प्राप्त किया एक कविता मैं आप ही बड़े चाव नाल कहनी चाहुंदा कि मैं बहुत जल्दी वापस इंडिया जा रहा एक चंगी कविता जो मैं अपने वालों लिखिया अपनी बुद्ध अनुसार तो अर्ज करांगा कविता का मतलब जी मफहूम यह है कि शहर है एक शहर के विचकार करके एक उच्ची ममटी अटारी महल है महल बिच एक बड़ा धनी पुरश बैठा है अपने मुनीम नाल गल्लां करदा लागे एक झोंपड़ी है उहदे च बुढ़ड़ा जिहा एक मजदूर है लकड़ी चीरदा वो अपने पुत्र नाल गल्लां करदा झोंपड़ी च भी गल्लां हुंदियां महल च भी गल्लां ने वह भी कहिंदे अज संतां ने आउणा है भोजन छकावांगे महल वाले झोंपड़ी वाले भी कहिंदे संतां ने आउणा है भोजन छकावांगे कौन महापुरश महल विच कौन ने झोंपड़ी च कौन ने महापुरश कौन है किसका भोजन छकदे है सिट्टा की निकलता कविता का मफहूम यह है अर्ज कर दें एमना बाद देखो जी अनोखा जिहा शहर है किते किते खंड है ते किते किते जहर है उच्चे जहे थां एक सोमडी अटारी है किसे दियां हड्डियां ते किसे ने उसारी है बिचली मंजिल है एक बैठा होया सेठ है गदेला जिहा आप है गदेला ही उहदे हेठ है पुछदा मनीम नू की बिकरी दी डौल है दूनिया दी दाल है जी चौणिया दे चौल है गहने जेड़ा कहना सी ओए उहदी की मुकाई है एक जी चवानी मैं रुपये पिछे लाई है अच्छा फिर तेलियां दी कुरकी कराई है उथों जी पुलिस कोलू पुट के लियाई है करोड़ दे मजारिया दा पेट भी करोड़ दे पेटी बिच पाउण लई रुपये मैनू जोड़ दे कल जेड़ा सुखना ब्याज सानू आना है उहदे विचों संतां नू भोजन छकाउणा है देखो जी ये किदां दा कठोर इंसान है मालक भागो ना है तनड खानदान है तो दूजा जी पासा मुलाजा फरमाइए दूजे बन्ने देखो एक सादा जिहा घर है एक कारीगर एक कलाकार उत्थे रहिंदा कारीगर है दूजे बन्ने देखो एक सादा जिहा घर है एक कलाकार उत्थे रहिंदा कारीगर है फटाफट लकड़ी दे फट जिवें चीरदा होर खुली जांदा सगो फट तकदीर दा इहदा अते उहदा नहीं बिहार कार मिलदा छिलदा ए लकड़ी ओ बंदियां नूं इहदा अते उहदा नहीं बिहार कार मिलदा छिलदा ए लकड़ी ओ बंदियां नूं छिलदा ए लहू दे के अपना है टके चार बटदा ओ टके दे के रत दी प्याली पुंजे सठदा ए आशक है रविदास धन्ने ते फरीद दा ओ पैसे नाल सारिया दे रब नू खरीददा ओ पैसे नाल सारिया दे रब नू खरीददा तो ए उठ के सवेरे जदों एक खास मिसरा है ए उठ के सवेरे जदों जप जी नू जपदा ओ भी हुंदा किसे ना किसे दी संगी नपदा तो एदे घर वाली सोच सहम ने समेटी है हड्डियां दी मुठ जिवें लीरां च लपेटी है ओदे घर वाली एक नग जही नार है
कठोर जिहा चित है, हंकार ही हंकार है, सुची जही सारी होते काला काला लपाए माल जी सरू नाल जे में कोई झूलदा खड़ा पाए। सुची जही सारी होते काला काला लपाए सरू नाल जे में कोई झूलदा खड़ा पाए, छड़ो ओदी गल नी कलम जिनू लिख दी, इत्थे मैं कहानी कहनी नानक दे सिख दी, वो सुखां दी की गल इत्थे दुख दे भी होंदे आ, पैर दी गरीबी नंग भुख दे भी होंदे आ, नंगे लई कपड़ा भुखे लई अन्नवें, धन गुरु नानक दा सिख भाई धनवें, जिथे है बसेरा उस पागी जही थां है, चेहरा लालो लाल है ते लालो इहदा नां है, कहिंदा मेरा हाथ मेरे बच्चे ने बटाया है, उठ के बलूर जिहा कम उते आया है, चीर चीर दिल चीर लकड़ी नूं पाया है, अज जो रुपया बद्धा दोहां ने कमाया है, सांभ सांभ रखना है सीने नाल लाउणा है, इहदे विच्चों संतां नूं भोजन छकाउणा है। बहुत करो देखिया कि दोवें पास नानक दे खड़े ने, दोहां दे भोजन दोहां हत्थां विच फड़े ने, पाप ते धर्म है सी वखो वख तुलदा, कोदरे दी रोटी चो सी दुध पिया डुलदा, भागो दियां पूड़ियां गुरां ने जदों कुटियां, उहनां चो हजार धारां लहू दियां फुटियां, बोले सतगुरु इह तूं पूड़ियां ने भेजियां, गुरु नानक इनकलाबी गुरु संसार नूं इक पद्धर ते लियाउण वाले कहिंदे बोले सतगुरु इह तूं पूड़ियां ने भेजियां, उह किहनां दियां कढ के लियाए कलेजियां, तलियां ने जिहदे च उह किहो जिही कड़ाही है, खोपरी सबूत केड़े किरती दी लाई है, तेरा नहीं हलक मेरे अन्न पानी लंघदा, तेरा नहीं हलक मेरे अन्न पानी लंघदा, मलिक भागो नूं कह रहे गुरु नानक, तेरा नहीं हलक मेरे अन्न पानी लंघदा, फोड़ा है बेदरदा तू किरती दे संग दा, कुछ धनवान दे हंकार नूं नवा के, लालो जिहां डिग्गियां नूं ओते नूं उठा के, तोड़ देना सफरी दवैक वाली कार नूं, इको जिहा वेखना मैं सारे संसार नूं, इह है गुरुआं दा आदर्श, संसार नूं इक पद्धर ते लियाउणा, गरीबी अमीरी कटनी, ते ए बहुत बड़ी बात है जो गुरु नानक ने 550 साल पहला कही सी, आज दुनिया दे बहुत सारे देश गुरु नानक दे इस पूर्णिया मगर चल रहे हैं। सफरी जी थोड़ी शायरी बड़ी उच्चे दर्जे दी है, तुसीं दी हुणे हुणे मिसाल भी दित्ती है, ते मैं तुहानूं पुछदा जिहड़ी तुहाडी शायरी तुहानूं विरसे च मिली है, तुहाडे कोई बजुर्गां नूं शायरी दा शौक सी के मारे दी तुहाडे ते कृपा होई है? शायरी ते मन दी बात है, मैं बचपन तों ही धार्मिक रुचि रखण वाला, मेरे बाप दादे परदादे साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच आउणी जाणी सी। मैनूं इक बचपन दी गल याद है, अत गरीबी जदों मेरे परिवार ते सी ते मेरी माँ ने मेरी ताई कोलों दाणे मंगे भी बेबे तेरे कोल तां 10 किलो देसर दाणे पए आ, सानूं उधारे दे दे तैनूं फिर मोड़ देंगे, ते मेरी ताई ने कहा सी ये दाणे तां गुरुआं दे आ, ये तां भुखे भी रहीए ते इहनां चों कुछ नहीं छेड़ना। उस वेले मैनूं मैं बहुत छोटा सी ते मेरी माँ दे अथरू वग पए, मकसद की सी कि उह अपने पुत्रां दी भुख तों प्यार उहदा दाणिआं नाल सी, असीं हर वरे हर 6 महीने मेरे बजुर्ग आनंदपुर साहब जांदे सी, वड्डे वडेरे पुश्तर पुश्तर, वो असर साडे उत्ते है, तो मैं समझदा उहनां दी कोई शफकत है गुरुआं दी, ये महाराज दी देण है, मेरी तुच्छ बुद्धि कि मैं की कह सकदा, मैं तां हर हालत च यही समझदा भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह दी जिहड़ी अपार कृपा द्वारा मैं तुच्छ जिहा ख्याल लै के कविता लिखदा है, बनावटी फर्जी जे शब्द पाने बोली नूं औखिया कर देना, जिहड़ी समझ ना सकन लोग उहनूं लोक बोली नहीं, मैं समझदा लोकां दी बोली होवे, लोकां दे विचार होण, उही कविता दी खूबी है, तो दूजिया जबाना दे भर्ती करके शब्द बोली दा शंगार स्वाद गवा लेना वो चंगी बात नहीं, अपनी बोली दे शब्द ही वरतने उचित है, तो मेरी बोली दुआबे दी बोली दा दुआबे दा प्रभाव हैगा, मैं समझा दुआबे दी बोली बहुत मिठी जबान है। बहुत अच्छा, वैसे मालवे दी कहिंदे मालवे दी मैं समझदा भी मैनू अपने शब्दां नाल प्यार है, जी जी। मैं सारे 10 मील ते बोली दा फर्क पै जांदा है, ते सारी पंजाबी लेकिन मेरा लबो लहजा दुआबे दा। अच्छा सफरी जी, जद दी पंजाब दे साडे दो टोटे हो चुके ने 47 दा, ते उहदे नाल मैं वेख्या कि पंजाबी नूं बहुत घाट पई है साडी, जिथे मैं हिंदुस्तानी पंजाब च पंजाबी च हिंदी कुसीरे आ रही है, उत्थे पाकिस्तानी पंजाबी च उर्दू दा बड़ा अदब दा बड़ा असर हो रहा है, आने वाले समय च पंजाबी दा भविख की आ जाए तुहाडी नज़र? मैं समझदा भी आने वाले समय विच जिस ढंग नाल साडे
विद्वान लोग लगे हुए ने यह पंजाबी नू कुछ गंदला जिहा कर रहे हैं मेरी इजाजत तो मैं समझदा भी देश भावें वंडिया गया पर साड़ी सैयद बादशाह दी हीर नू कौन वंड सकता है मौलवी गुलाम रसूल की तफसीर यूसुफ जलैखा की महान पवित्र किताब असी भी इत्थे पढ़ते हैं पाकिस्तान भी पढ़ी जाती है बोर्ड की ठंडी छां थां थले हीर दियां सुरीलियां हेकां लगदियां इत्थे भी लगदियां उत्थे भी लगदियां तो हीर नू पंजाबी बोली नू कौन वंड सकदा बोली तो उहदी है जिहड़ा बोली की सेवा करे मां बोली उहदी है सो मैं समझदा भई पंजाब की बोली जिहड़ी है शुद्ध पंजाबी होनी चाहीदी है सफर जी तो ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਪਤਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗੋਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਨੇ ਮੈਨੇ ਸਰੂ ਨੂੰ ਕੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਇਹ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਸਾਫ ਦਿਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਬਨੌਟੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੀ ਤਬਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੀ ਤਬਾ ਨਿਰਾਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਾਵੀ ਹੋ ਸੱਲਾ ਨਾਲ ਕਲੇਜਾ ਸੱਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਈਆਂ ਹੋਰ ਚਵੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਹੁਣੇ ਨਾ ਲੈ ਉੱਠ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਲੈ ਉੱਠ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੀੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ ਬੁਰੀ ਹੈ ਸੜਬੜ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਬਯੋਗਣ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀਣ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਰੋਗਣ ਜੇ ਹਿੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਲੈ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਢੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰੇ ਅਥਰੂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਏ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਥਰੂ ਸਾਂਭ ਨੀ ਸਾਂਭ ਕੁਆਰੇ ਅਥਰੂ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਨਾ ਕਦਰੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਭੋਲੇ ਜੇ ਨੈਣ ਲਗੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਏ ਨਾਥ ਪਈ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਦੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਛੱਟੇ ਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਕਾਏ ਨਾਥ ਪਈ ਅਥਰੂ ਕੇਰੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ ਪਰੋ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਫਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਰਜਮਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਫਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਮਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬਜ ਬਜ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ
सब तो वधेरे जो कुरबानी इत्थे कीती है बाबा गुरदित सिंह ते उना दे साथी श्रीमान मेवा सिंह जी, हाँ जी सार मेवा सिंह, सार मेवा सिंह नू हिंदुस्तान नहीं भुल सकता, जिन हफकंसन नू जिहड़ा हफकंसन बेइंसाफ अफसर सी उहनू गोली मारी सी हफकंसन, हाँ जी तो हफकंसन नू गोली मार के हिंदुस्तानियां नाल होई बेइंसाफी दा बदला लिया सी। उत्थे एक बड़ी तकड़ी वार मैं कह के आया जिहड़ी गुरुद्वारा कमेटी ने पसंद कीती है, लेकिन वह लंबी करके मैं छड्ड दिंदा है। हुण मैं तुहानू इत्थे दी कोई गल तुहाडा भी मन कुछ मनेगा भी मैं लिखी है वह मैं अर्ज कर दिंदी। तो छोटी कविता है, छोटी ही कहनी चाहीदी है, तो अर्ज करदा कि ये कैनेडा दी है धरती, इहदी शान न्यारी, ये कैनेडा दी है धरती इहदी शान न्यारी, पिया समंदर ठाठा मारे, पिया समंदर ठाठा मारे, पर्वत भारी भारी, इस देश विच वस गए आके वंश बने बंदे, वखो वख ख्याल जिन्हां दे, कुछ चंगे कुछ मंदे, इस देश विच वस गए आके वंश बने बंदे, तो वखो वख ख्याल जिन्हां दे, कुछ चंगे कुछ मंदे, गुरुद्वारे गिरजे इत्थे इत्थे मस्जिद मंदर, गुरुद्वारे गिरजे इत्थे इत्थे मस्जिद मंदर, पर बंदे ने रहन नहीं दिता रब इन्हां दे अंदर, पर बंदे ने रहन नहीं दिता रब इन्हां दे अंदर, उच्चे उच्चे जेड़े दिसदे दूरों महल मनारे, इस जाल विच अणपरिंदे फस गए आके सारे, उच्चे उच्चे जेड़े दीदे महल मनारे, ए जाल विच आन परिंदे फस गए आके सारे, गुस्सा ना कोई करे ओ भाईओ सच्ची गल नतारा, गुस्सा ना कोई करे ओ भाईओ सच्ची गल नतारा, किश्ता उत्थे घर बिकदे आ किश्ता ही उत्थे कारा, किश्ता उत्थे घर ने इत्थे ओ किश्ता उत्थे कारा। दूजा है जी बंद के वन सवन्ना फैशन इत्थे दिल नू लगदा धड़का, बन सफन्ना फैशन इत्थे ओ दिल नू लगदा धड़का, कोल खड़ो के पता नहीं लगदा लड़की है कि लड़का, बहुत खुश बन सफन्ना फैशन इत्थे दिल नू लगदा धड़का, कोल खड़ो के पता नहीं लगदा लड़की है कि लड़का, बंदा आवे ड्यूटी करके औरत एकदम जावे, पति आउंदा ड्यूटी करके ते औरत एकदम जावे, हफ्ता हफ्ता एक दूजे दा शकल नजर ना आवे, हफ्ता हफ्ता एक दूजे शकल नजर ना आवे, मैं इत्थे दे रख बखामा केड़े केड़े पढ़ दे, मैं इत्थे दे रख बखामा केड़े केड़े पढ़ दे, ओ लीडर सादे आप मुहारे कुकड़ा वांगू लड़ दे, मैं इत्थे दे रख बखामा केड़े केड़े पढ़ दे, लीडर सादे आप मुहारे कुकड़ा वांगू लड़ दे, शादी कई करा बनाइया, माँ जी आ शेर सुन बड़ा प्यारा, शादी कई करा बनाइया, भारत दियां मुठियारां जाल कड़े विच फस गईयां ने, एक कुंजा दियां डारां शादी कई करा बनाईयां। तो अर्ज है कड़ियां वरगे गभरू साडे, ए भारत दे जाए नसबंदी तो डर के खबरे इस देश विच आए, कड़ियां वरगे गभरू साडे ए भारत दे जाए ओ नसबंदी तो डर के खबरे इस देश विच आए, हर कोई इत्थे भावे रहिंदा डाले कट्ठे करदा, हर कोई इत्थे भावें रहिंदा डाले कट्ठे करदा, फिर भी इत्थे खर्चा इन्ना मर के बुत्ता सरदा। एक शेर कहना जे ना इत्थे गदरी बाबे जा, जे ना इत्थे गदरी टोला अपना खून बहाउंदा, जे ना इत्थे गदरी टोला अपना खून बहाउंदा, एक बिछंदा भारत दा ना इत्थे नजरी आउंदा। अपनी नजम च लिखिया अखीर च गदरी बाबयां बारे आम तौर ते हिंदुस्तान मुल्क की आजादी का नाम वर्तन कहा जाता है, पर मेरा ख्याल जो बंद ने जो देश भगत ने अपने मुल्क की आजादी लिए हथियार भी चुके से मसाला कठा करके लै चले
एक छोटी जी किताब के रूप में पंजाबी बोली च मैं पबलिश करावांगा और थोड़े वर्गे सज्जणा नूं मैं घट तो घट दस दस किताबां भेजूंगा तो तुसीं पंजाबी इत्थे जिहड़े सज्जण हन उहनां नूं देणियां तो मैं इत्थे दी बात जिहड़ी हिस्टोरीकल गल्लां कहड़ियां इत्थे बड़ा कुछ हैगा सीएन टावर नूं भी वेखिया मैं इह भी बात है तो मैं समझदा सीएन टावर दुनिया की सब तो वड्डी इमारत है कोई शक दी मेरा मन देख के खुश होया लेकिन जिन्ना उच्चा टावर है इन्ना उच्चा आचरण है नहीं शहरियां तो मुल्क मुल्क दी पिछे ही सांझी गल हैगा तो मैं समझदा आचरण जिहड़ा है उहनूं भी उच्चा करना चाहिए मैं निंदा नहीं करता अच्छे लोग भी भले लोग भी मिले मैनूं बड़े बड़े अच्छे लोग मिले आ जिन्हां दे पंजाबी परिवार मिले ने जिन्हां दे घरां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश देखिया मैं शाम नूं बाणी पढ़ते सवेरे भी बाणी पढ़ते काम भी वह पूरा करते तो बाजे बाजे सज्जण मेरे वर्गे भी है तो चलो ऐसा की इस गल चों लैना नागरा फाल है होर कुछ बहुत कुछ देखने आया तो आवो हवा देखी है गर्मिया महीने मेरे भागा च नहीं सी पर तुसा दसिया गर्मिया इतने की बहुत वधिया हुंदी है चलो जो तुसा दस दिता मैं इतबार कर लिया सफरी जी असी बड़े 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 तीव्रता नाल तुहाडी इंतजार करांगे फिर साढ़े कैनेडा वापस आओ तो मैं तह दिल तो पंजाब दर्शन प्रोग्राम वालों थोड़ा धन्यवाद दी हाँ कि तुम अपने इन्ने रुझेवें वक्त कट के साथ स्टूडियो आयो तो कुछ करो फिर कभी हो सके जी गल एक तो चेहरे मोहरे के खूबसूरत हो एक थोड़ा दिल बड़ा खूबसूरत है हर कलाकार जरा थोड़ी तारीफ करता है जेडे भी इतों गए ने वह कहते भी माल तो बड़ा चंगा सिर से चुक लैंदा कलाकार मैनू भी तू चुकया है महाराज तेनू थैंक यू।